इस वक्त हम मौजूद हैं यमुनानगर जिले के मुकारोपुर में, और आपको बता दें कि किस तरीके से प्रशासन का जो पीला पंजा है वो यहाँ पर गांव वालों के ऊपर चल रहा है। लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन जो है, बताया जा रहा है कि अतिक्रमण को लेकर और नजायज कब्जे की बात जो आ रही है उसको लेकर जो है यहाँ पर पीला पंजा जो है वो चलाया जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं एक के करके घरों को जो है तोड़ा जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि पानी की होदियाँ जो हैं वो यहाँ पर तोड़ दी गई है। लगातार प्रशासन के जो शाला अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, सभी जो हैं यहाँ पर मौजूद है। लगातार तस्वीरें किस तरीके से आप देख सकते हैं, भारी पुलिस बल के सहयोग से और लगातार तस्वीरों के सामने आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रशासन जो है गाँव के अंदर जो है दीवारों को, घरों को तोड़ा जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है यहाँ के अधिकारियों से जानेंगे, और वीडियो को एंड तक देखते रहना और शेयर जरूर करते रहिए। इस घर को भी जो है, ये जो भी बनाया गया है इसको भी तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लगातार प्रशासन की बड़ी कार्रवाई आप देख सकते हैं गांव मुकारोपुर के अंदर, किस तरीके से लोगों ने जो अपने घर बनाए हुए थे और उनको आज जो है प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। और देख सकते हैं लगातार लेडी पुलिस पूरी यहाँ पर साथ इनके दे रही है, और पुलिस प्रशासन है, आला अधिकारी जो हैं इस घर में मौजूद हैं। लगातार तस्वीरें हैं, जायज़ इस खबर को शेयर करते रहिए। किस लिए ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ग्रीवेंसीज में एक मैटर लगा हुआ था मुबारकपुर गाँव का, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। कुछ हमारी ये गाँव हमारे कॉरपोरेशन में अब मर्ज हो चुका है, तो इसकी हमारी जो फिरनी है, जो एरिया है, उसके अंदर कुछ एक इंक्रोचमेंट का इशू आया था। निशानदेही हम पहले ही करवा चुके हैं, तो इनको नोटिस भी दे दिए गए थे, तो वो नोटिस में इन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो उनकी वजह से अभी यहाँ पे डिमोलिश का कार्यक्रम। लगभग कितने घरों को जो है ये 6 स्पॉट है इसमें आइडेंटिफाई हुए थे, ठीक है, उनको पर ये कार्यक्रम। तो पहले नोटिस दिया गया था, कई जगह मवेशी वगैरह बंधे हुए थे सर? हाँ, नोटिस वगैरह ऑलरेडी इनको बता दिया गया था, ठीक है ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं करी, संज्ञान में इन्होंने नहीं लेकर आए। लेकिन अब आए हैं तो इन लोगों की रिक्वेस्ट भी आई है कि हम लोग हफ्ते में क्लियर कर लेंगे। जो परमानेंट जो स्ट्रक्चर है उनको हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं कि घर है कि भाई उसको जल्द से जल्द इसको खाली कर। पूरे प्रशासन की मदद ली जा रही, पुलिस बल, पुलिस बस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी है हमारे साथ। तो दूसरे पक्ष ने कोई झगड़ा वगैरह? नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, वो तो बिल्कुल शांतिपूर्वक कार्य। लोग जो इस तरीके से अतिक्रमण करते हैं उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे ये अपील करेंगे भी जो सरकारी जमीन है उस पर किसी भी तरह का कोई भी कब्जा ना करें, ठीक है, और इससे पहले कि सर प्रशासन कोई एक्शन ले वो अपने आप ही इस चीज़ को जिसकी भी अथॉरिटी उसको सपूत करें। लोगों ने बता रहे हैं कि कई सालों बाद जाके ऐसा काम किया, लोगों ने बड़ी मेहनत से घर बना लिए थे, क्या कहना चाहेंगे? ये उनके उनकी है, उन्होंने मेहनत से घर तो सभी मेहनत से ही बनाते हैं, लेकिन उन्होंने ये देख लेना चाहिए था कि ये जिस पे हम लोग ये मेहनत से खड़ा है वो ज़मीन किसकी है। अगर वो ज़मीन सरकारी है तो उस पर वो बिल्कुल नजायज़ उन्होंने आगे और भी एक्शन लिए जाएंगे इस, बिल्कुल इस तरह के, अगर जहाँ भी किसी भी तरह की अगर हमें आइडेंटिफाइड होती है जगह तो उस पर हम इसी तरह का हम लोग एक्शन। माड़ा हो जी, हम तो मिनत खर का पाया जी, अपना झाड़ी खर खर का पाया जी, कह रहे हैं 50 साल का कब्जा जा रही थी, आज का कब्जा था जी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 साल जो पुराना है उसको कब्जे उसको जगह दी जाएगी, कहाँ जी कोई बिंदे रहा जी? पहले नोटिस भेजा था इसके लिए कोई, पहले से बताया था? बताया, 2 लोटा 3 लोटा आए नहीं तो। आज क्या कार्रवाई हुई है? तोड़ा फोड़ी होगी जिसकी बस। क्या करते थे आप इस घर में? इनमें डंगर बांधते थे, रेस करते थे। हाँ जी, सारा तोड़ दिया? सारा तोड़ दिया। क्या हुआ जी, मारे डंगरों का गुरुआ, मेरे डंगरों का छत खोगा, अरे जी रिश्वत लेकर गाड़ी काम रोक दिया, जेबीसी रोक कर वापस चल दिए, ये अफसर है जो से इन्होंने रिश्वत खाई है जी। क्या प्रूफ आपके पास? क्या प्रूफ है? मेरी आंखों के सामने आंखें प्रूफ है, आंखें प्रूफ है। आपका क्या तोड़ा गया? मेरा डंगरों का बरंडा तोड़े गए, मेरे अनबोल दे उसमें ऐसी मौसम में बाहर जड़वा दिए, ये खड़े बाहर मेरे डंगर। दूसरे छोड़ दिए? हाँ जी, दूसरों को छोड़ दिया? दूसरों का छोड़ दिया, ये देखें ये पड़े खाली, अरे और तो दो दो मंजिल ये कोठियाँ पड़ी। तो आपका किस लिए तोड़ा गया? मारे मेरा जेबीसी गेल तोड़ा। क्यों तोड़ा था? क्यों तोड़ा है ये तो यही जाने, यहाँ पे रह रहे हम तो इनके पास जगह छोड़ कर चले गए थे, मगर चल बरत लो, हमें क्या पता कि इनकी क्या हुआ कान क्या नहीं हुआ। कोई नोटिस वगैरह दिया था पहले? नोटिस का क्या काम है, पूरा कोई नोटिस नहीं आ रहा। कितने घरों पे कार्रवाई हुई है? कितने घरों पे तो एक ही परिवार पे वही कार्रवाई है, बाकी को क्यों छोड़ दिया? बाकी का रिश्वत लेकर छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या अपील कर रही? क्या अपील करेंगे जी, रिश्वत और हम पति रिश्वत लेकर छोड़ सका, हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, हम रिश्वत कहाँ से दें? ये बताइए, ये आंधी सरकार है तो ये हम रिश्वत कहाँ से दें? ये बताइए, अपना पेट पालें, अपने बच्चों का पेट पालें, तो अगर सरकारी अफसरों ने रिश्वत दें। आप देख रहे थे गाँव मुकारोपुर से किस तरीके से
आज प्रशासन का पीला पंजा चला था। हालांकि दो घरों को तोड़ा गया है, एक घर को हल्का फुल्का तोड़ा गया और अब जो है प्रशासन जो है अपना दल बल लेकर वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं लगातार पुलिस जो है वापस लौट रही है और दो घरों को तोड़ने के बाद जो है अब वापस जा रहे हैं। लगातार तस्वीरें हैं, ज्यादा ज्यादा इस खबर को शेयर करें। एक महिला ने जो है आरोप भी लगाया कि हमारा घर तोड़ दिया लेकिन दूसरों के घर से रिश्वत लेने के बाद जो है काम को रोक दिया। अब क्या सच्चाई है इसके पीछे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी जो है घरों को तोड़ने के बाद जो अब निकल रही है और बाकी को जो बताया जा रहा है कि अल्टीमेटम दे दिया गया कि जल्दी से जल्दी इनको खाली किया जाए। लगातार प्रशासन का जो है पीला पड़ा। कहना चाहते हो इस गांव में क्यों आज इतना बड़ा कार्यक्रम क्या हुआ? ये सर हमारा बहुत पुराना कब्जा है 100 साल से। ये हमारी जद्दी जदाद जमीन है जी, हमारे दादे परदादों के टाइम की जमीन है जी ये। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो एक महिला ने बताया कि इन्होंने रिश्वत लिया है, दो घरों को तोड़ दिया बाकी को छोड़ दिया। सर किसी अधिकारी ने कोई रिश्वत नहीं लिया, अधिकारी की ड्यूटी जो वो तो पागल है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। अफसर का काम होता है अपना कार्रवाई करना, उनकी ड्यूटी क्या किस लिए छोड़ दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन के जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आए थे और वापिस जा रहे हैं। क्या बोल के गए? उन्होंने अपना जो कार्रवाई करनी थी कर दिया है, ठीक है जी। हमें सरकारी मुलाजिम से कोई वो नहीं है जी, क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती है जी। बाकी घरों को किस लिए छोड़ गए? क्या क्या किसी को नहीं छोड़ा है सर। अच्छा, सबको कार्रवाई थी करके? हाँ जी, उनकी कार्रवाई पूरी होगी। उन्होंने अपने अवैध कब्जे थे, क्या था? अवैध कब्जा भी था थोड़ा जी, ठीक है। और अपनी जद्दी जदाद भी है जी, इसमें नंबर के बाड़े हैं जी हमारे, ठीक है जी। तो गांव वालों ने पूरा सहयोग दिया है, कोई नाराज नहीं है गांव नहीं। इसमें देखो आपने सब ने किसी ने किसी को सरकारी मुलाजिम को कुछ नहीं कहा जी, ठीक है जी। कोई ऐसी बात नहीं, शांतिपूर्वक हुआ जो भी हुआ, कार्रवाई ठीक हुई। हाँ जी हाँ जी। तो लगातार तस्वीरें देख रहे थे मुकारोपुर से, जहां पर आज प्रशासन का पीला पंजा चला अवैध अतिक्रमण को लेकर, अवैध कब्जों को लेकर। ऐसी और भी अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए HR71 के साथ और देखते रहिए HR71। मुकारोपुर से सरनजीत सिंह।